तकदीर की टोपी पेश किया जाए। भैया जान निकल गई थी इस पर, रियली आई मीन दैट। अगर ऐसे बच्चे हैं तो मेरे हों, वरना मुझे कोई बच्चा ना। मैं सही मानों में मैं आपको सर बोलता हूं। तो दादा मगाशी मला हा नागोबा चावला, मला काय होणार तर नाही ना? You are looking so hot. अमर और बिनी, जनता के फैसले के अनुसार लक्स डांस इन डांस का चौथा फाइनलिस्ट है इस बार जब लास्ट एलिमिनेशन हुआ तो सब बहुत डरे हुए थे, क्योंकि कोई भी हो सकता था हम में से। जब अनाउंस हुआ कि टॉप फोर सिलेक्ट हो गए, बहुत ज्यादा खुश हुआ मैं, बहुत ही ज्यादा खुश हुआ, मेरा सपना पूरा हो गया। बहुत डर लग रहा था कि मैं टॉप फोर में आ पाऊंगी कि नहीं, अब फाइनली मैं टॉप फोर में आ गई हूँ तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं सब जंप करूं। इतने महीनों की जो मेहनत है उसका निचोड़ आज निकल रहा है। इट्स लाइक The last thing that I have to give, and I'll make sure कि मैं अपना 100 नहीं बल्कि 1000% do, because it's my last performance. ये जो top four और grand finale का बीच का जो सफर था वो कुछ ही दिन का था, लेकिन वो दिन हर एक दिन ऐसा गया है जैसे कि मैं कभी भी अपनी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। आई एम एंजॉयिंग एवरी बिट ऑफ इट एंड आई एम गोना एंजॉय एवरी बिट ऑफ इट। रिहर्सल के टाइम पे एक्चुअली हम लोग को नहीं पता चलता कि बाहर की चीजें क्या है, बाहर क्या चल रहा है, बट जब हम लोग को लक्स डांस इंटरनेशनल जब मौका दिया, इतनी सारी ऑडियंस, हम लोग को ऐसा लग रहा था कि ग्रैंड फिनाले आज ही है। इस बीच हमें बहुत से मौके मिले लोगों के बीच में जाकर परफॉर्म करने के। कुछ दिन पहले हमें मौका मिला ओबेरॉय मॉल में जाकर परफॉर्म करने का। रिएक्शन था वहाँ पर लोगों का हमारे लिए, हम आपको बता नहीं सकते, मतलब मैं तो पागल हो गई थी। वो जो क्राउड था इतना मोटिवेटिंग, इतना ज्यादा एनकरेजिंग था कि उनको देखकर हमारा जोश डबल बढ़ रहा था। एंड जब लोग आगे से आकर ये कहते हैं कि आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स, मुझे आपको ऑटोग्राफ चाहिए, तो ये फील होता है कि हाँ मैं भी कुछ हूँ, आई हैव मेड माय आइडेंटिटी। आज मुझे लोग मेरे नाम से पहचानते कि लुक एट हर, शी इज बिनी शर्मा, एंड वो खुशी मतलब ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड का फीलिंग है। और ऑडियंस लोगों का इतना पागलपन देखे, मतलब हम लोग खुद शॉक हो गए कि कोई हम लोग को टच करने के लिए, मतलब किसको टच करना है, किसको फोटोग्राफ, किसको ऑटोग्राफ, सब भीड़ में गिर रहे, नीचे गिर रहे, कोई यहाँ गिर रहा है। कुछ लोगों को कुछ पड़ी नहीं, बस एक ही चीज के, ये जो धर्मेश पुनीत पुनीत शक्ति शक्ति बिनी बिनी सब यही चल रहा था। और मतलब ऐसा दिल को लग रहा था, दिल को छू रहा था ये चीज के ऑडियंस कितना प्यार करते हैं हमसे। पहली बार मुझे ऐसा लगा कि मुंबई में मैं इतना जाना चाहता हूँ। बहुत 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 ज्यादा अच्छा फील हुआ, क्योंकि लोग वहाँ पे थे, नाम चिल्ला रहे थे, खड़े थे हाथ मिलाने के लिए, फोटो खिंचा रहे थे एंड ऑटोग्राफ लेना चाहते थे। तो इट जस्ट फील सो स्पेशल, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड बस मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। बहुत अच्छा लग रहा है कि दिस इज व्हाट लक्स डांस इन योर डांस हैज डन टू अस। टीवी ने हमें इतना नाम और इतना फेम दिलाया है, एंड दे हैव रियली क्रिएटेड एन आइडेंटिटी फॉर अस। जिस दिन से हमारा टॉप फोर डिक्लेयर किया मिथुन दा ने, तब से एवरी डे इज लाइक अ न्यू एक्सपीरियंस, और बहुत बहुत अच्छा लग रहा है।
Like coming to top four is like the best thing that has happened to me ever. It's just so wonderful कि हम सब कुछ ही महीनों में कहाँ से कहाँ पहुँच गए. It just feels special. हम चारों finalists का एक promotion हुआ है. आज मैं वैनिटी वैन में बैठ के मेकअप कर रही हूँ. इतना डिफरेंट फीलिंग है, जस्ट फीलिंग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कि हाँ हम भी सेलिब्रिटी हैं और हम भी उस मुकाम तक अभी शायद पहुँच चुके हैं. बाप रे, जी टीवी डीआईडी हमें आप कितना दोगे, कितना सब दिया है आपने. मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ आपको कि ये सब चीज़ें मैंने टीवी में देखा था. पहली बार वैनिटी में मैं बैठा, एक कुछ ऐसा कुछ बहुत बड़े मतलब एक्टर का एक फील आ रहा था कि कोई एक्टर है. फाइनलिस्ट है तो वो स्पेशल फील हो रहा है, बाद में ऐसे ट्रीटमेंट मिल रहा है तो और ज़्यादा स्पेशल फील हो रहा है. तो जो ग्रैंड फिनाले की तैयारी जैसे हो रही है, मुझे लग रहा है कि मस्त होने वाला है. पहली बार मतलब इतने बड़े सेट पर इतने सारे लोगों के सामने मतलब कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग. पता नहीं इतने बड़े ऐसे डायरेक्टर बैठे हैं, नर्वसनेस हो रही है, बहुत कुछ हो नहीं रहा. बिल्कुल कल की बात लगती है जब मैं धूप में खड़े होके डांस इंडिया डांस के ऑडिशंस के लिए जा रही थी. अंदर एक एक करके नंबर आ रहा था, मतलब लोग खड़े हैं हजारों की तादाद में. और जब हम लोग डांस कार्निवल के लिए गए, वहाँ पे लोग हमसे लाइन में खड़े होकर ऑटोग्राफ ले रहे हैं, हमसे हाथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं. तो ऐसा लग रहा था ये क्या हो रहा है, कल तो मैं लाइन में खड़ी थी और आज लोग लाइन में खड़े होकर मेरे से हाथ मिलाने के लिए वेट कर रहे हैं. लक्स डांस इंडिया डांस का जो कार्निवल हुआ, क्या मजा आया उस कार्निवल में. लोग यहाँ से भी, लोग वहाँ से भी, हर जगह जहाँ तक नजर पहुँचती है लोग खड़े हैं हमें देखने के लिए. वो हाई कर रहे हैं और जो स्टेप्स हम गाड़ी के ऊपर कर रहे हैं, हम ग्रुप कर रहे हैं चारों फाइनलिस्ट, तो वो भी हमें देख के ग्रुप कर रहे हैं लगते हैं. जब भीड़ में हम लोग पास किए तब उन लोग कोई टच कर रहा है, कोई ऑटोग्राफ ले रहा है, कोई बोल रहा है कि मुझे सिर्फ टच कर दो. मैं तो मेरा पा कुछ अलग ही, मैं कुछ अलग ही जगह पे चले गया था. मुझसे ज्यादा तो उन लोग का कॉन्फिडेंस था. वो लोग चिल्ला रहे थे कि धर्मेश तू ही जीतेगा ऐसा करके. तो फिर मुझे पूरा कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं ही जीतूंगा क्योंकि ऑडियंस मेरे साथ में.